आईपीएल में लगातार 5 छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने पूरे देश को अपने बल्लेबाजी का दीवाना बना दिया। कोलकाता की टीम से खेलते हुए रिंकू सिंह ने आखिरी 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़कर गुजरात के जबड़े से जीत छीन ली, जिसके बाद पूरा देश रिंकू की तारीफ कर रहा है। लेकिन इस सफलता के पीछे रिंकू सिंह का कठिन संघर्ष भी रहा है। यूपी के अलीगढ़ जिले के एक साधारण से परिवार से आने वाले रिंकू का बचपन गरीबी में गुजरा। यही नहीं, बल्ले से जौहर दिखाने वाले रिंकू सिंह के पिता आज भी लोगों के घरों में सिलेंडर डिलीवरी का काम करते हैं। लेकिन सभी बाधाओं को पार करते हुए रिंकू सिंह ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर पहले तो आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स में अपनी जगह बनाई और इस सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में आखिरी 5 गेंदों में 5 छक्के जड़कर न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि इतिहास रच दिया। रिंकू सिंह के शानदार प्रदर्शन की तारीफ हर कोई कर रहा है। यही नहीं, रिंकू सिंह के जज्बे को कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने खूब सराहा। रिंकू सिंह की इस खास उपलब्धि पर अलीगढ़ स्थित उनके घर और चाहने वालों में जश्न का माहौल है। रिंकू के पिता भी बेटे की इस उपलब्धि पर खुशियां मना रहे हैं। खानचंद जी, रिंकू जो है कोलकाता नाइट राइडर्स से जो खेल रहे हैं शाहरुख खान की टीम से, वो कौन है आपके? बेटा है मेरा वो। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके पास? मेरे पास 5 बेटे हैं, एक लड़की है। अच्छा, रिंकू ने जो कल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में 5 बॉल में 5 छक्के मारे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहेंगे? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत खुशी है मेरे लिए। तो ये बताइए, कैसी लाइफ स्टाइल रही है रिंकू की, सुना थोड़ा विस्तार से बताएंगे, कैसा खेलते थे, कैसा रहते थे और क्या करते थे वो, क्या उम्मीदें थी? पढ़ने लिखने में तो ये बिल्कुल नहीं था, बस तो मैच में ध्यान था ऐसा है। तो मैंने मन करी भाई ये मैच वैच खेल के क्या करेगा, पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा ऐसा कर नहीं पाओ। तो उसके बाद हम फिर ना 2-4 जगह रन मारे तो सब आदमी यही कहते थे भाई तुम्हारा लड़का अच्छा खेल रहा है। तो फिर मैंने उससे ये किसी काम की नहीं किया, तुझे पढ़ना है तो खेलना है तो खेल लेगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तेरे को पढ़ना है पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद में वो अच्छा ही करता गया। फिर अब जो है उन्होंने जब खेलना स्टार्ट किया तो किस तरीके की उम्मीद लगती थी कि रिंकू आपके मतलब किस नहीं? तो फिर मैं इधर उधर जब जाता था तो सब उसकी तारीफ करते थे कि भाई तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है और उसे खेलने दो। अब ऐसा क्या आप भी आपने आपके भी शौक रहा है क्रिकेट खेलने का? मैं तो शुरू से खेलता था सब ऐसा, अपने गाँव से ही मैं जब मैं 80 में खेलता था ऐसा है या 84 में आया हूँ यहाँ पर, मैं आफ्ताब हॉल यूनिवर्सिटी में उस समय खेला हूँ मैं।